अंडे रखे हुए हमने अपनी मुर्गियों के नीचे, इनकी मेरी कैंडलिंग का मूड हो रहा था तो वो भी मैं देख लेता हूँ क्या सीन है क्या सीन नहीं है, थोड़ा बहुत चेक करना है। ये देखो माशाल्लाह एक और प्यारा सा बेबी आ चुका है जी, ये हमारे पास आ गया जी हमारा प्यारा सा चूचा। तो ये कि इनके आगे आके मैंने शेड रख दिया था क्योंकि इसके अंदर है जी हमारे गुब्बारे के बच्चे और जो खत्म होने वाले हैं। इसके अंदर एक जो जोड़ा है हमारा कौन से वाला कल्चरों का, वो उसको हम खत्म करेंगे। मतलब इनके आगे हमने अभी खाना पीना डाल दिया, ये थोड़ा बहुत मस्ती भी कर रहे हैं। बाकी हल्की फुल्की बारिश लगी है, हल्की फुल्की सी। देखो तो मैंने कहा यार चलो यार ये कलर वाला काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा रहता था इसको भी जल्दी जल्दी खत्म कर लूँ सारी जाली के ऊपर में जल्दी जल्दी बात हो, ताकि यार मौसम खराब होने से पहले, ज्यादा खराब होने से पहले हम जल्दी जल्दी इस काम को खत्म कर लें और फिर यहाँ से हमारा सारा केज भी प्यारा हो जाए। जिस तरह ये ब्लू है इस तरह ये भी सारा भी ब्लू करते हैं जल्दी जल्दी। तो काम शाम कर लिया जी हमने खत्म, ये सारा भी लग चुका है, चेक कर लो हल्का हल्का आप लोगों को ब्लू ब्लू शेड नजर आ रहा होगा, इन जगहों पे भी लग गया, यहाँ पर हम बाद में वाइट कर लेंगे ताकि यार ये प्यारा लगे। अब ये किसकी हल्की फुल्की छींटे गिरती रही थी तो उसको मैं साथ साथ साफ करता रहा था, हाथ छाथ सारे सफाई सफाई किए अभी बड़े रखे हो गया ये। और अभी एक ये जगह साफ होगी, यहाँ पर हम वाइट करेंगे कुछ टाइम बाद, वो देखो कब होता है ये सूख जाए ना। था बाकी ये कि बड़े मज़े से लगे यार, ये स्मूथ यहाँ पे मैंने मारा, ये इस पर मेरा टाइम लग गया बस, क्योंकि जो बच गया था वो मैंने इधर लगा लिया, वहाँ पर वो हमारे पास डोलियाँ बची हुई थी, चार ये की एक ये की पाँच है ये छः और एक ये रिसा थी। मैंने कहा यार इन सबको भी कर लें कि आप कलर आया होने, तो बाकी कचरा ये बड़ा हुआ हमारा और वो बाकी खाता खूता एक डब्बा बच गया है, डब्बे को हम थोड़ा टाइम बाद जो हमारा उधर वाला केज है और जो वहाँ की सारी जालियाँ हैं उधर लगा लेंगे, ताकि यार वो जगह भी सारी साफ हो जाए, वो भी सारे प्यारे प्यारे लगे। अभी तक नहीं लगा सकते उसके अंदर, अभी हमारे जो कबूतर वो सारे व्हाइट व्हाइट हैं तो फिर वो सारे बुरे लगेंगे। अभी यहाँ पर भी हमारे जो चूजे हैं इनके ऊपर भी हमारा कलर गिरा हुआ है अलकापुर का, वहाँ पर एक दो तो तोते हैं उड़ के वो रहा, एक ये बैठा हुआ है और एक इधर नीचे बैठा होगा किसी जगह पे वो वाला, इन दोनों के ना पाओं पे भी लग चुका है कलर, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मार रहा था वो मेरे पास आके बैठ गए थे, तो इसी तरह वहाँ पर भी मारूंगा, वो बड़े उनके साथ ज्यादा लगेगा तो ज्यादा बुरा भी लगते, इस वजह से वो थोड़ा टाइम बाद। बाकी यार यहाँ के मेरे जो अंडे रखे हुए हमने अपनी मुर्गियों के नीचे, इनकी मेरी कैंडलिंग का मूड हो रहा था तो वो भी मैं देख लेता हूँ क्या सीन है क्या सीन नहीं है, थोड़ा बहुत चेक करना है। अभी मेरे पास दूसरा फोन तो है नहीं, दूसरा फोन मेरा नीचे पड़ा हुआ है तो वो मैं आप लोगों को भी दिखाता, बट चलो इस वक्त मैं खुद देख लेता हूँ फिर इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखा देंगे। ये इसी वाली मुर्गी के कर सकता हूँ, ये वाली बड़ी मारती है यार, बहुत ज्यादा कुटती है। तो चलो अब इसको एक का दंडा हम इस कर लेते हैं इधर से और एक कैंडलिंग करते हैं थोड़ी सी ऊपर जी। हमने एक कैंडलिंग की यार, अब अभी तक माशाल्लाह से ये ठीक जा रहे हैं, इस वाले के तो ठीक जा रहे हैं, यहाँ के हम नहीं चेक कर सकते, तो किस दिन देखूंगा इस मुर्गी को बाहर निकाल के फिर हम इजीली इसकी भी चेक करेंगे, बट यहाँ वाले के माशाल्लाह से प्रोसेस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इधर आए यार यहाँ से हम अपने इन वाले कबूतरों को निकालने के लिए, जरा चेक करो जरा सा ये देखो माशाल्लाह एक और प्यारा सा बेबी आ चुका है जी, ये हमारे पास आ गया जी हमारा प्यारा सा चूचा, इधर चूचे चूचे नेरा हेलो चूचे, ये चेक करो जरा सा, एक ये इसका प्यारा सा भाई आ चुका है जी, जाओ अंदर जाओ आप, अभी इसको चेक करना जरा सा, आ जाओ जी वैसे जाओ, हो गया उसके ऊपर जाके बैठेगा, उसके ऊपर फिर ये हमारा ये प्यारा सा नर बैठेगा। तो मैंने कहा था यार आज हम यहाँ की सफाई करेंगे, गन बनो वो चेक करो, मतलब इन सबको भी हटा के इनको तो शिफ्ट करके ये सारे को हम तोड़ेंगे, बट अब उधर फिर प्यारा सा बेबी आ चुका है, अब हमें चार पाँच दिन और वेट करना पड़ेगा ताकि यार ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर हम उसके बाद आराम से चक्कर को सारी को तोड़ेंगे। तो मदी मदे करो मदे करो, तीन चार दिन की और छूट मिल गई है इनको, अब वो चेक करो और प्यारा सा बेबी आ चुका है जी। को बारिश थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ थी तो हमने क्या किया था, रात के रहा मैंने आके इनको आगे से बंद कर दिया था, मतलब ये कि इनके आगे आके मैंने शेड रख दिया था क्योंकि इसके अंदर हैं ये हमारे गुब्बारे के बच्चे और वो एक यार वो उनका थोड़ा बहुत खतरा था, उनको ठंड ठंड भी लग सकती थी, तो मैंने कहा यार चलो यार इनको थोड़ा सा क्या करते हैं सेफ्टी दे देते ताकि यार इसका बच्चा गर्म रहे। यार उस वक्त तो काफ़ी तेज़ भी हवाएं चल रही थी तो मैंने कहा यार वैसे हम ये इसको लगाते होते हैं उधर, फिर मैंने कहा यार चलो उधर का रिस्क ले के इधर को बचाते हैं, और जिस चीज़ को मैं बचाता रहा था वो आज वो देख लो, आय हाय 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 इनका क्या बनेगा यार, ये देखो ये ताज़ा मरा हुआ बिल्कुल ताज़ा। मैंने कहा था आज दिखाएंगे और इसकी तो आज हालत ही ख़राब होगी, ये ठंडा यख हुआ है काफ़ी, मैंने इसको रात को ही मुझे पता था यार ये इसके ऊपर बैठे हुए भी नहीं थे और मुझे इनके ऊपर शक भी था, तो मैंने कहा था यार अब क्या ही करें,
ये देखो ठंडा यक हुआ है, ये सब इतना ठंडा हुआ है, इतना ठंडा क्या बनेगा इनको। तो कोई नहीं, क्या कह सकते हैं, अब हम फर्स्ट ब्रीड होती है, फर्स्ट ब्रीड हमेशा ये मारते, इसी वजह से यार मेरे पास जब भी कबूतर आते हैं ना उनके अंडे आते हैं तो मैं क्या करता हूँ उनके अंडे एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो मुझे पता होता है यार इनके बच्चे मर जाने, और फिर ये कि आप लोग कमेंट में बोल रहे होते हो ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया, आपने गलत किया, आपने ठीक नहीं किया, ये वो सीन। इस वजह से मेन वजह ये, बच्चा छोटा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा और बड़ा हो, वो किसी न किसी तरीके से मर जाता है, क्योंकि होते हैं यार जोड़े के अंदर या तो नर खराब होता है या मादी खराब होती है। तो ये तो जोड़ा भी नहीं बन रहा था, फिर भी हमने इनका जोड़ा बनाया हुआ था, और इस वजह से ये मेन वजह है जिसकी वजह से ये लोग अपने बच्चे मार देते हैं या नर खराब होगा या मादी। ये हमारा गजा मुर्गा, इसने मुझे डरा ही दिया थोड़ा बहुत, इसका खाना पीना मैं टाल लेता हूँ, खाना पीना ये लो जी जाओ आप खाओ उधर। तो अब ये क्या, हमने क्या करना है, यहाँ से इस वाले जोड़े को उठाना है, वहाँ फेंकना है, वहाँ से उठाने हमने अपने प्यारे प्यारे इलाके जो यहाँ पहले हुआ करते थे वापसी उनको करते हैं शिफ्ट इधर, क्योंकि मैंने कहा था यार इनका बच्चा है थोड़ा बाहर छोड़ूंगे तो मर जाएगा। यहाँ पर 24 घंटे खाना पीना होने के बावजूद भी, चलो पहले तो मैं मान लेता था बड़ा केज है उसके अंदर जो हम खाना पीना डालते थे वो बाकी सब चीज़ें खा जाती थी और इनको मिलता नहीं था, तो यहाँ पर तो इनको खाना पीना भी अलग, देखो सब चीज़ें अलग, फिर भी इन्होंने बच्चा मार दिया। तो यही है इसके बाद जो हमारे पास फालतू जोड़े हैं, अगर इनके अंडे आते हैं इनके नीचे हम किसी और चीज़ के अंडे रख लेंगे ताकि यार उससे ही होगा कम से कम। अब हमारे पास हमने पिकाचू निकाला था वो चेक करो, वो माशाल्लाह से इतना बड़ा हो चुका है। अभी जो दूसरा हमने निकाला वो इसका नाम अभी तक नहीं रखा हुआ, वो हमने निकाला वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चल रहा है। और बच्चे खेतने आए हैं तकरीबन 100 में से सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं, 5 बच्चे, 3 हमारे लकों के और 2 हमारे रामपुरियों के अभी तक, और उसके अलावा बाकी सब कबूतरों ने मारे हैं। तो चलो आज इनको भी इधर से उठाते हैं, वहाँ करते हैं शिफ्ट, यहाँ पर वापसी आएंगे हमारे लके जो कि यहाँ पर थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी ब्रीड लगाई, उम्मीद है कि और ब्रीड भी वो लगाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने कर दिए शिफ्ट, हमारे प्यारे प्यारे लकों का पैर दोबारा से इधर आ चुका है जी, वो ऊपर नर बैठा हुआ ब्लैक कलर का फूल और ये रिबन नीचे मादी। तो ये जोड़ा था ये, इसको हमने दोबारा इधर शिफ्ट कर दिया, खाना पीना भी मैंने इन सब के आगे डाल दिया है यहाँ पर, ये इनके आगे ये यार अभी तक सेट नहीं हुए, काफ़ी कोशिश लगी हुई इनके पीछे कि सेट हो जाए नहीं हो पा रहे, पता नहीं अब इनके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, शायद चलो एक आध ट्रीटमेंट और है वो ट्रीटमेंट करता हूँ शायद उसके बाद ये सेट हो जाए। तो अब ये कि सब चीज़ें हमारे खाना पीना खा रही हैं, अभी नहीं खोलता तो वजह क्या है, काफ़ी तेज़ धूप है, ऐसा पसीना आया हुआ मुझे, ये देखो काफ़ी ज़्यादा पसीना आया हुआ है। वहाँ वाले जो हमारी मुर्गी थी उसकी भी माशाल्लाह से 12 दिन हो चुके हैं, तो ये यार मेन वजह थी जिसकी वजह से मैं कबूतरों को शिफ्ट नहीं करता, प्यारे प्यारे बेबीज़ होते हैं फट से मार देते हैं, हालाँकि अब मैंने इनको फुल अलग जगह दी है पूरी, बट फिर भी इन लोगों ने ज़ाया कर दिया है, यही होती है वजह यार इनकी, जब जगह चेंज करो ना बच्चे ज़ाया कर देते। इन सब को भी अब हल्की फुल्की हवा लग रही और ये भी मज़े से उड़ रहे हैं, अब उड़ो उड़ो।